फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे सुबह के नाश्ते के लिए नया नाश्ता। तो ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही कम तेल में और सिर्फ 15 मिनट पे बनके रेडी हो जाता है। अगर आपने इस तरीके से झटपट बनने वाला नाश्ता नहीं बनाया तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। चलिए बनाते हैं नया नाश्ता। तो उसके लिए एक बाउल में हम एक कप बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे, एक कप बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ले लेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन को हाथ में थोड़ा मसल के हम डाल देंगे, नमक हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार, तो तकरीबन 1.5 टीस्पून या फिर स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ, 1 से 2 टीस्पून जितना हम तेल डाल देंगे, 1 टीस्पून हरी मिर्च के टुकड़े, बच्चों के लिए बना रहे हो तो स्किप कर दीजिए, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। सारी इंग्रेडिएंट को एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही चटपटा टेस्टी हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो अभी इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें आटे डालेंगे, तो घर में ही इजीली अवेलेबल होते हैं वो हम डालेंगे। तो 1 कप बेसन, चना दाल का आटा, 1 कप ज्वारे का आटा, ज्वारे के आटे की जगह पर आप बाजरी का आटा भी डाल सकते हो, 1 कप चपाती गेहूं का आटा, 1/2 कप से थोड़ा कम हम चावल का आटा डालेंगे। इससे हमारे जो नाश्ता है वो एकदम कुरकुरा क्रिस्पी बनेगा। एकदम अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। तो अभी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें 2 टेबलस्पून दही डाल देंगे, तो इससे हमारा नाश्ता सॉफ्ट बनेगा, साथ साथ में इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपके पास दही नहीं है तो तेल आप थोड़ा 1 चम्मच जितना ज़्यादा डाल दीजिए। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम सॉफ्ट आटा, रोटी के आटे से भी हमें सॉफ्ट आटा गूंदना है। तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कितना पानी यूज़ किया है। तो अच्छे से मसलते हुए हम आटा गूंदेंगे। तो तकरीबन मैंने 1 कप से थोड़ा कम पानी यूज़ करके आटा गूंदा है और आप देख सकते हो एकदम ही सॉफ्ट है। तो हमें इसे ऐसा सॉफ्ट रखना है, आटे को थोड़ा अच्छे से मसल लेंगे। तो मैंने मसल लिया है दोनों हिस्से करके और अभी हम आटे को इकट्ठा करके उसमें से एक बड़ी लोइया ले लेंगे और हम चकला ले लेंगे। उस पर हम एक रुमाल या फिर आप कोई सा भी कपड़ा, क्लीन कपड़ा ले लीजिए, मैं रुमाल को ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, और हम उस पर पानी छिड़क देंगे। अच्छे से हम इसे गीला कर लेंगे। तो ऐसा आप देख सकते हो अच्छे से गीला करना है। आप चाहे तो इसको एक बार पानी में डुबो के निचोड़ के भी ले सकते हो। तो अच्छे से ऐसे गोल मैंने इसे भिगो दिया है। अभी हम जो बनाया हुआ आटा है उसमें से लोइया मैंने ले ली है। उंगलियों को हम हल्का पानी वाला करेंगे और ऐसे बाहर पहले फैला देंगे, बीच में से हम पतला करेंगे अभी, और ऐसे वापस हम फैलाएंगे। तो ये नाश्ता बड़ा छोटा आपके हिसाब से बना सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने एकदम अच्छे से इसे फैला दिया है। तो थोड़ा हम मीडियम थिक रखेंगे, बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं, और आसानी से आप देख सकते हो फैल गया है और बीच में हम ऐसा होल कर देंगे। इससे ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पक जाएगा। तो ये अच्छे से हो गया है। अभी मैंने तवा, तो रोटी का जो तवा रहता है वही मैंने गरम कर लिया है। उसमें हम 1/2 टीस्पून जितना तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से फैला देंगे और कपड़े के साथ ही हम इसे डाल देंगे और कपड़ा हल्के हाथ से ऊपर ले लेंगे। तो मीडियम तवा गरम था तभी मैंने ये डाला है। गैस की आंच अभी मीडियम कर ढककर 1 मिनट के लिए होने देंगे। तो 1 मिनट में हम दूसरा हमारा नाश्ता या थालीपीठ रेडी कर लेंगे। तो पहले हम कपड़े को वापस गीला कर लेंगे, थोड़ा पानी छिड़क के एक लोइया ले लेंगे, छोटा बड़ा आपके हिसाब से, आपको जैसे बनाना है उसके हिसाब से लोइया लीजिए, और ऐसे हम इसे फैलाएंगे। तो मैं उंगलियों को पानी वाला कर लूँगी।
तो अभी आप देख सकते हो ये एकदम अच्छे से मैंने फैला दिया है। बीच में होल कर लेंगे तो ये थाली पीठ भी तैयार हो गया है। तो 1 मिनट में हमारा ये दूसरा थाली पीठ भी रेडी हो गया है। 1 मिनट के बाद हम जो तवे पर थाली पीठ है उसे चेक करेंगे, साइड चेंज कर लेंगे और ढककर हम वापस इसे आधे से 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर होने देंगे। तो दूसरी साइड भी बहुत ही बढ़िया सी डिजाइन आ जाएगी। ऊपर से हम पहले बटर, घी या फिर तेल, बटर में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप बटर डालें तो अच्छे से ऐसा फैला देंगे और उसकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड भी हम बटर लगा देंगे और दोनों साइड क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे हम सेक लेंगे। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा हमारा नाश्ता तैयार है। इसी तरीके से दूसरा थाली पीठ भी हम तवे पर डाल देंगे। अगर लगे कि कपड़ा ज़्यादा खराब हुआ है, अच्छे से पानी में धो के वापस आप थाली पीठ बनाए तो उसे भी हम 1 मिनट के लिए ढककर मैंने होने दिया। दूसरी साइड भी हम ढककर 1 मिनट के लिए होने देंगे और अभी हम बटर लगा देंगे, साइड चेंज करेंगे। तो छोटे छोटे या बड़े आपको जैसे चाहिए उसके हिसाब से बनाइए। मैं थोड़े बड़े बना रही हूँ और थोड़े छोटे भी बना रही हूँ। तो दूसरा भी हमारा थाली पीठ या फिर ये झटपट बनने वाला हेल्दी नाश्ता तैयार हो गया है। अगर आपने इस तरीके से कभी ये झटपट बनने वाला नया नाश्ता या फिर आप इसे थाली पीठ या मिक्स आटे का नाश्ता नहीं बनाया तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही नई रेसिपी के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो आप ये गर्मा गर्म नाश्ते को दही के साथ या फिर चाय के साथ खाइए। ऊपर से ये क्रिस्पी और खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं। तो आप ये एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये हेल्दी और कम तेल में बनने वाला नए नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।